मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग पैक। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो कि मेरे गांव का है। इस ब्लॉगिंग में मैं आपको अपने गांव का एक छोटा सा झलक दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि मेरे गांव में किस तरह की हरियाली और किस तरह का मतलब यहाँ नेचर है और कितना अच्छा एटमोसफेयर है। ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और धूप थोड़ी सी ऊपर है, कोई ज़्यादा धूप नहीं है और हल्का क्लाउडी सा एटमॉस्फेयर है, बोले तो क्लाउडी वेदर है। ओके, और देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे गांव का एक छोटा सा झलक, एक छोटी सी सीनरी। ओके, तो ज़्यादा दूर लेके नहीं जाऊंगा मैं आप लोगों को, बस थोड़ा सा अपने गांव की सड़कें, हरियाली और पहाड़ और घुमावदार सड़कें आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बहुत टाइम से मैं अपने गांव भी नहीं आया था, तो सोचा इस बारी मैं अपने गांव जा कर के एक ब्लॉग शूट करूं और आप लोगों को दिखाऊं। तो मैं आ गया हूं अपने गांव और इसी बहाने मैं एक ब्लॉग भी शूट कर पाया और आप लोगों को मैंने सोचा कि मैं दिखाऊं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों, देख सकते हो ये सीन जो है, ये है मेरे गांव के स्टेशन से थोड़ी सी आगे का। ओके, क्योंकि जब मैं स्टेशन पर उतरा था तो उस टाइम पर अंधेरा था, तो कुछ मैं शूट नहीं कर पाया और ये उससे थोड़ी सी आगे का सीन है। दोस्तों, इस बार जब मैं अपने गाँव आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस बार मैंने जो देखा है मेरे गाँव में वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है सबसे पहली चीज़, मेरे गांव की सड़कें। दोस्तों, मेरे गांव की सड़कें इतनी अच्छी हो चुकी हैं, इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं सकता। बस इस बात का अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। एक्चुअली मैं इस थ्री व्हीलर ऑटो पर बैठा हुआ हूँ और उसी से ही बैठ करके मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैमरे में ज़रा सी भी वाइब्रेशन नहीं है, शूटिंग में ज़रा से भी वाइब्रेशन नहीं है, हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर कैप्चर किया है मैंने। ओके, क्योंकि जो सड़कें हैं वो इतनी प्लेन और इतनी अच्छी बनी हुई हैं दोस्तों, मुझे वीडियो शूट करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप देख सकते हैं ये मैं जिस गाड़ी पर बैठा हुआ हूँ वो गाड़ी एक्चुअली थ्री व्हीलर है, जिसे हम यहाँ अपनी भाषा में फटफट सेवा कहते हैं। आप देख सकते हैं सड़कें कितनी प्लेन है, कितनी ही क्लियर सड़कें हैं। ओके, और सबसे अच्छी बात, जिस गांव की सड़कें अच्छी होती हैं दोस्तों, वो गांव बहुत जल्दी तरक्की करता है, बहुत जल्दी डेवलप होता है। तो आप सामने देख सकते हैं कितना क्लीन और कितना ब्यूटीफुल, मतलब कितना अच्छा सीन आपने सामने देखा। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये साइड का एंगल कितना ब्यूटीफुल एंगल है। सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का ये सीन है और बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों, सड़कों से बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ हूँ। इस बार मेरे गांव की सड़कें इतनी अच्छी बनी हुई हैं, मैं बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितनी प्लेन और कितनी स्मूथ सड़कें हैं, मेरे कैमरे में ज़रा सी भी वाइब्रेशन नहीं आ रही है। और जबकि मैं थ्री व्हीलर पे बैठा हूँ, आप समझ सकते हैं थ्री व्हीलर जो फटफट सेवा, ऑटो सेवा होती है, मैं उस पर बैठ करके ये वीडियो उस पर से ही शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं एंगल दिखाई दे रहा होगा आपको। और सड़कों पर गड्ढा नाम की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों, जिससे कि हमारी गाड़ी वाइब्रेट हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। ये देखिए, वो देखिए कितनी दूर तक का नज़ारा, बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं, ज़रा सी भी वाइब्रेशन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम ऑटो पर ना बैठ करके ट्रेन में या किसी कार में बैठ करके वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देखिए कितनी स्मूथ सड़कें हैं। तो चलिए अब थोड़ी आगे लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों को। ओके, ये तो हो गई सड़कों की बातें, अब धीरे धीरे मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ।
दोस्तों, किसी भी गांव की ग्रीनरी हमारे दिल को, हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा लुभाती है। आप देख सकते हैं कितना घना जंगल सा एरिया है और सामने का सीन भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल वेदर आप फील कर सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ को हम बस फील ही कर सकते हैं। ओके, इनसे जो आंखों को ठंडक मिलती है, इस सीनरी से जो आंखों को ठंडक मिलती है, शायद ही वो किसी और चीज़ से आप लोगों को मिले। हमने अपना जो जीवन है, जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो एक तरह से पूरी तरीके से दोस्तों जिसे कह सकते हैं मॉडर्न हो चुका है। और इस मॉडर्निटी में हम नेचर से बहुत दूर आ चुके हैं। तो बस इसी चीज़ को ही दिखाने के लिए और इसी फीलिंग को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि असल में हम लोगों की जो लाइफ है भाग दौड़ वाली, उससे कितनी अलग होती है एक गांव की लाइफ। एक गांव में जीवन का जो रंग होता है, जो रूप होता है, वो कितना अलग होता है, वो आप इस सीनरी से देख सकते हैं। और आप इन सड़कों को देख सकते हैं, ना कोई ट्रैफिक है, ना किसी तरह का कोई भी पॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल फ्रेश एयर और बिल्कुल क्लीन एटमॉस्फेयर, क्लीन वेदर। इतना फ्रेश फील हो रहा था मुझे सुबह सुबह में, बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों यहाँ का एटमॉस्फेयर देख करके, यहाँ का वेदर देख करके। आप खुद भी देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और इसके अलावा आपको कोई ट्रैफिक नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, किसी तरह कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल शांत और मन को खुश करने वाली। ओके, एक्चुअली जब हम अपने गांव में आते हैं तो यहाँ की जो सीनरी होती है, यहाँ की जो ग्रीनरी होती है एक्चुअल में, वो हमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, शायद ही इस तरह की ग्रीनरी हमने कभी अपनी शहरी जीवन में देखा होगा। शहरी जीवन से आप समझ रहे होंगे दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मोशन में किया हुआ है, कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल सीन आप देख सकते हो दोस्तों। ये छोटा सा कैमरा है, अगर आप इस चीज़ को फील करें, अपने दिल से फील करें, अपने आंखों से इस चीज़ को देख करके फील करें, तो आपका मन नहीं होगा कि मैं यहाँ से कभी वापस जाऊँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, दोस्तों इस नज़ारे को देख करके अगर आप दिल से फील करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम वाकई जन्नत में आ गए हैं। जन्नत से आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखिए, सच में आपको ऐसा लगेगा कि हम जन्नत में आ गए हैं। और ये थोड़ी सी भेड़ बकरी आ गई थी सामने दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक का नज़ारा कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। ये अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों मेरे गांव का। अभी मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ आगे दिखाने वाला हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पर बने रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों देखने के लिए, बहुत सारा ग्रीनरी है, बहुत सारी सीनरी है, बहुत कुछ मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊंगा। ओ माय गॉड, देख सकते हैं दोस्तों आप, ये सीन देखिए दोस्तों और इसको फील कीजिए। सच में तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है हमारे गांव का, एक्चुअली मेरे गांव का पहाड़ी एरिया। अब आप यहाँ से जो सीन देखेंगे दोस्तों वो देखने लायक होगा। देख सकते हैं अब हम पहाड़ी के ऊपरी चढ़ाई की ओर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए कितनी घुमावदार सड़कें हैं, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों है तो ये सिंगल रोड, बट इसकी चौड़ाई डबल के इक्वल है।
और देख सकते हैं ये किस तरीके से, ये देखिए ये ऊपर की ओर चढ़ाई हो रही है। ये देखिए अब हम ये आ गए हैं पहाड़ों के ऊपर, ये देखिए दोस्तों, है ना, ये देखिए। एक्चुअली ये रास्ता दोस्तों पहाड़ों के बिल्कुल साइड एरिया से कट करके बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन कुछ, ये देखिए दोस्तों वो देखिए कितना डाउन में भी आप देख रहे होंगे, ये सड़क घूम के फिर वापस नीचे जाएगी। ओके, थोड़ी देर में हम नीचे पहुँचेंगे। मेरा एक फ्रेंड है दोस्तों दिनेश, मैंने उसे कई बार कहा कि मेरे साथ चले, मेरे गांव घूम करके आए। ये वीडियो भी मैंने स्पेशली अपने फ्रेंड दिनेश के लिए ही बनाया है ताकि मैं उसे दिखा पाऊँ अपने गांव का ये रूप, ये रंग और ये ग्रीनरी। इसलिए दोस्तों स्पेशली ही मैंने उसी के लिए ही बनाया। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सड़कें हैं, कितनी घुमावदार और कितनी क्या ग्रीनरी है। और इस ग्रीनरी में भी छोटे मोटे घर आप देख सकते हैं और थोड़ी मोड़ी बिजली की व्यवस्था भी है। अब क्योंकि गांव एरिया है तो दोस्तों इसी तरह का ही रहता है, आप जानते हैं गांव में किस तरह का बिजली की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है, वो भी आप अच्छे से जानते हैं। दोस्तों रियल सीन तो अब शुरू होगा इस वीडियो का, आप खुद ही देख लीजिए। मैं अब आगे कुछ नहीं बोलूँगा, ना मैं कुछ कहने वाला हूँ। ओके, तो देखिए आप लोग और इस चीज़ को फील कीजिए। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है दोस्तों, और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो बने रहें वीडियो पर और देखते रहें मेरी इस वीडियो को। ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट व्लॉग है दोस्तों, तो कहीं कोई किसी तरह की कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दें। और जो मैंने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है दोस्तों प्लीज़ उस पर गौर करें। एक्चुअली इस तरह की सीनरी आप हम लोगों को जल्दी देखने को नहीं मिलती है, आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं दोस्तों क्या सीन है, ओ माय गॉड। बस नज़रें थम से जाती हैं दोस्तों इस सीन को देख करके, ऐसे सीन को देख करके दिल करता है कि बस यहीं रुक जाएं, यहीं बस जाएं और यहीं अपना एक छोटा सा घर बनाकर अपनी लाइफ को यहीं स्पेंड करें। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों इन जानवरों को देख करके वीडियो को इग्नोर ना करें कि ये भाई क्या दिखा रहे हैं। असल मज़ा गांव की लाइफ का इन्हीं से आता है दोस्तों, इन जानवरों के होने से ही हमें गांव में जीने का जो मज़ा आता है वो इन्हीं से होता है, इन्हीं से आता है दोस्तों। देख सकते हैं आप, ये देखिए सामने का सीन दोस्तों, ये देखिए कितनी खुली सड़कें हैं और कितना क्लीन मौसम है, कितना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या सीन है दोस्तों। बस इसको आप दिल से फील ही कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप ग्रीनरी से लव करते हैं, आप नेचर लवर हैं, आप ग्रीनरी लवर हैं, तो इस चीज़ को आप अपने दिल से फील कर सकते हैं कितना अच्छा लुक है यहाँ का, कितना अच्छा। मैं एक्चुअली एक टाइम मैं कह सकता हूँ गर्व से कि
जो ये मेरा गांव है, ये सबसे खूबसूरत गांव है। तो इतने लंबे सफ़र के बाद दोस्तों आए हैं हम, आ पहुँचे हैं हम अपने गांव के एक छोटे से कस्बे में। ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए एक छोटा सा कस्बा है यहाँ, थोड़ा सा लोगों का बसेरा है। इससे बाहर निकल के फिर हम लोग उसी नेचर में ही पहुंच जाएंगे दोस्तों, उसी ग्रीनरी वाले सीनरी पर पहुंचेंगे। और सामने आप लोग जैसा कि देख ही सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा लोगों का बसेरा है। ये देखिए गांव की औरतें वो देखिए, ये देखिए ये देख, बस ज़्यादा अब मैं और क्या बोलूँ दोस्तों, बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। दोस्तों अब जो आप देखने वाले हो, ये है मेरे गांव की एक छोटी सी नदी। इसमें आप देख सकते हो कितना पानी है। एक्चुअली ये जितना दिखाई दे रहा है दोस्तों उतना है नहीं, इसमें लगभग आपके घुटने तक का पानी होगा, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब इसमें इतना पानी आता है दोस्तों। और बहुत ही क्लीन पानी होता है दोस्तों। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए एक्चुअली इस जगह का नाम मुझे पता है क्योंकि इसका नाम यहाँ के लोगों ने पटना रखा हुआ है दोस्तों। और पटना एक शहर है जो बिहार में है, और ये हमारे गांव का छोटा सा कस्बा पटना है, इसको छोटा पटना कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये लगभग 2.5 घंटे का सफ़र था जिसे मैंने बहुत शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि पूरी वीडियो को कैप्चर करना और दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो मेन एरियाज़ थे वो मैंने आप लोगों को दिखाया, जो ग्रीनरी थी, जो नेचर था, जो ब्यूटीफुल सीन था, वो सब मैंने आप लोगों को दिखाया दोस्तों इस वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।